गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एग्जाम पर में आप सभी का स्वागत है और आज हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो कि आपका सिलेबस पार्ट थ्री है। इससे पहले हमने पार्ट वन देखा, पार्ट टू देखा, पार्ट थ्री है। तो जो बच्चे यहाँ पर जुड़ गए हैं बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार वीडियो लिंक को कॉपी कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप सर्कल में जल्दी से फटाफट शेयर कर दें। सभी बच्चे जल्दी से शेयर करेंगे यहाँ पर। एक बार वीडियो लिंक को कॉपी कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप से जल्दी से फटाफट शेयर करेंगे। फिर लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वहां से आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमें ये वाला क्वेश्चन से पहले वाला हो गया था, इसको आप लोग ट्राई कीजिए बच्चे यहां पर। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन को, यहाँ पर तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया था, ये लास्ट क्लास में हमने इसका बाकी पार्ट डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भी रेजर क्या नहीं है आपका, पेपर नहीं है। रेजर जो है वो क्या नहीं है आपका, पेपर नहीं। अच्छा, इसके बाद कह रहा है यहाँ पर, एक तो सभी बुक क्या है आपके, पेन है। ये बुक है जो कि सभी बुक क्या है आपके, पेन है। और पेपर क्या नहीं था आपका, पेन नहीं था। सबसे पहला कंक्लूजन यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर कुछ पेपर बुक नहीं है। कुछ पेपर क्या नहीं है, बुक नहीं है। अगर पेपर पेन ही नहीं होगा, आप देखिए यहां पर पेपर है, पेपर क्या नहीं होगा, पेन नहीं होगा, तो बुक भी तो नहीं होगा ना। यानी पहला बिल्कुल क्या है, सही है। पहला क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरे में कह रहा है सभी पेन बुक हो सकते हैं, सभी पेन बुक हो सकते हैं। तो सभी पेन को कहां लिख के आना है, बुक में लेके आना है। ये देखो सर्कल के ऊपर सर्कल है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, सी एंड डी के साथ, जिसमें कैन भी दिया, तो डाउट प्लस पॉसिबिलिटी क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। सभी पेन के बुक होने की संभावना बिल्कुल है, ये सभी पेन बुक में जा सकते हैं। सभी बुक इरेजर हो सकते हैं, तो बुक को इरेजर में जाने के लिए मना किया गया क्या, क्या यहां पर कोई नो करिलेशन दिख रहा है क्या, नहीं। यानी बुक इरेजर बिल्कुल हो सकते हैं, यानी ये भी सही है। यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। यानी आप कहेंगे ऑल फॉलोस, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, यानी ऑल फॉलोज हो जाएगा, तीनों ही यहां पर क्या है, सही है। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिनका आंसर यहां पर था फिफ्थ ऑप्शन ऑल फॉलोज, तो सही बच्चे फटाफट वीडियो को यहां पर लाइक कर दें जिन्होंने नहीं किया है। साथ ही वीडियो लिंक को कॉपी कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप सर्कल में जल्दी से फटाफट शेयर करें। सभी बच्चे शेयर कर दीजिए एक बार। सही बच्चे वीडियो लिंक को कॉपी कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप सर्कल में जल्दी से फटाफट शेयर करेंगे एक बार। सही बच्चे ट्राई कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए। सही बच्चे, देखिए तो यहां पर कुछ बच्चों ने आंसर करना स्टार्ट कर दिया। अब इसको देखते हैं, तो यहां पर कह रहा है कोई भी लैपटॉप टैब नहीं है और लैपटॉप ही मोबाइल नहीं है।
तो देखो यहाँ पर लैपटॉप क्या नहीं है, टैब नहीं है, तो टैब भी तो लैपटॉप नहीं होगा, बात तो एक ही है। उसमें कहा कोई भी लैपटॉप क्या नहीं है, मोबाइल नहीं है, लैपटॉप क्या नहीं है आपका, मोबाइल नहीं है। और उसके बाद सभी मोबाइल क्या है आपके, पीसी है। ये मोबाइल वाला पार्ट सभी क्या हो जाएगा फिर आपका, पीसी हो जाएगा। सबसे पहले में कहा सभी मोबाइल क्या है, टैब है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर कोई भी लैपटॉप मोबाइल नहीं है, मोबाइल के लिए मना किया गया था। तो मोबाइल को कहां जाने के लिए मना किया गया, लैपटॉप में जाने से, जबकि जाना कहां उसको, टैब में। तो मोबाइल को टैब में जाने के लिए मना नहीं किया गया, मना नहीं किया गया मतलब ये क्या होगा, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। दूसरा देखो, सम टैब आर नॉट मोबाइल, कुछ टैब मोबाइल नहीं है, तो टैब एंड मोबाइल के बीच में भी क्या होगा यहां पर आपका, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। जैसे ही दो सी एंड डी हुई आप समझ गए आंसर इधर होगा या नीदर, बट इधर और होने के लिए पहले दोनों सी एंड डी होना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो सी एंड डी पॉजिटिव निगेटिव। और यहां पर देख सकते हैं क्या होना चाहिए हमारे यहां पर, सेम ऑब्जेक्ट, अगर यहां मोबाइल टैब है तो यहां पर पहले मोबाइल चाहिए फिर टैब, जबकि यहां पर ऑल और सम नॉट आया तो ना तो हम ऑल के ऑब्जेक्ट बदल सकते हैं ना हम सम नॉट के। हमने बताया था कब चेंज कर सकते हैं, हम जो चेंज कर सकते हैं यहां पर सम के ऑब्जेक्ट को और नो के ऑब्जेक्ट को, लेकिन ऑल और सम नॉट के हम नहीं बना सकते। तो सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कि नहीं है, इसलिए इधर और नहीं होगा, तो क्या होगा फिर ये, नीदर नॉर। तो करेक्ट आंसर जो होगा नीदर नॉर होगा, जिन बच्चों ने यहां पर टिक किया फोर ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, उनका राइट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए इसी तरीके से, इसी तरीके से अगले क्वेश्चन का आंसर करना सही बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर बनाए सही बच्चे, सही बच्चे वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप सर्कल में शेयर जरूर करें। सभी बच्चे जल्दी से फटाफट शेयर कर दें एक बार। चलिए तो सब कुछ सेम था, सब कुछ प्रश्न में सेम है बिल्कुल, आप देख सकते हैं ऑल टैब मोबाइल। देखो टैब को मोबाइल में जाने के लिए मना नहीं किया गया, मतलब डाउटफुल कंडीशन, पिछले में भी यही हुआ था, ये भी टैब मोबाइल है तो ये भी सी एंड डी। जैसे ही दोनों सी एंड डी हुआ, ऑल पॉजिटिव है, सम नॉट निगेटिव है, हमें क्या चाहिए, सेम ऑब्जेक्ट। अगर पहले टैब है तो यहां भी पहले टैब, और यहां मोबाइल है तो यहां मोबाइल होना चाहिए। तो इस बार वो खुद ही आपको सेम बना के दे रहा है, तो ये इधर और हो जाएगा, पिछले में ऐसा नहीं था इसलिए वो नीदर नॉट था। बात समझ में आई ना, तो ऑल और सम नॉट के ऑब्जेक्ट को आपस में नहीं बदल सकते हो, और सम और नो के ऑब्जेक्ट है उनको बदला जा सकता है, ये हमने आपको बताया था। चलिए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इधर और। जिन बच्चों का आंसर यहां पर इधर और था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट इसका आंसर करें सही बच्चे, इसका आंसर करें यहां पर, इसको सॉल्व करें। सही बच्चे इसका आंसर कीजिए, आप देखिए इस प्रश्न की अगर यहां पर हम बात करें तो इस प्रश्न में आप देखिए क्या कह रहा है, सभी लैपटॉप कैन बी पीसी, सभी लैपटॉप पीसी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखो कि क्वेश्चन में आपका यहां पर था, देखो यहां पर सभी मोबाइल क्या था, पीसी था, तो लैपटॉप को कहां लेके जाना है हमें, पीसी में। तो लैपटॉप को किसके लिए मना किया गया, मोबाइल के लिए, पीसी के लिए तो मना नहीं किया गया, मतलब ये क्या होगा, सी एंड डी होगा, डाउटफुल कंडीशन, जिसमें कैन भी दिया है मतलब पॉसिबिलिटी भी दिया जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी के साथ ये क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, क्योंकि लैपटॉप को मोबाइल में जाने के लिए मना किया, पीसी में जाने के लिए मना थोड़ी है, तो संभावना तो बिल्कुल, कैन भी दिया तो बिल्कुल राइट है।
अगले प्रश्न में यहां पर देखेंगे नेक्स्ट, तो इसमें कह रहा है कुछ पीसी लैपटॉप नहीं है, तो पीसी का देखो क्या पीसी के पास कुछ पार्ट ऐसा है जो लैपटॉप में ना जा रहा हो, तो पीसी के अंदर मोबाइल है जो लैपटॉप में नहीं जा रहा है, इसका मतलब कुछ पीसी ऐसे हैं जो लैपटॉप नहीं है, मतलब ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, पहला दूसरा दोनों ही फॉलो कर रहे हैं, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, पहला दूसरा दोनों क्या कर रहे हैं यहां पर फॉलो कर रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट, इसको बनाइए सही बच्चे, अगला क्वेश्चन बनाएंगे सही बच्चे, जल्दी से ट्राई करें इसको। सभी लोग आंसर कीजिए सही बच्चे, सही बच्चे आंसर कीजिए फटाफट जल्दी से यहां पर। तो यहां पर देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कुछ पैंट शूज हैं और कुछ शूज क्या है यहां पर स्लीपर हैं, तो सबसे पहले यहां पर ये पैंट्स वाला आपका वेन डायग्राम हो गया, पैंट्स क्या है आपके यहां पर शूज, और उसके बाद आपसे कह रहा है कुछ शूज क्या है यहां पर आपके स्लीपर, और अगला नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं यहां पर सभी स्लीपर क्या है पर शर्ट, ठीक है चलिए तो ये आपका शर्ट वाला पार्ट हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट यहां पर देखते हैं कंक्लूजन क्या कह रहा है, कुछ शर्ट क्या है पैंट, अब शर्ट यहां या पैंट वहां पर है, ठीक है तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिया जा रहा, तो ये क्या हो जाएगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, नहीं बता सकते सही की गलत है। दूसरे में कोई शर्ट पैंट नहीं, सेम वही कहानी फिर से, ये भी सी एंड डी, जब दो सी एंड डी है सम यहां पर पॉजिटिव है नो नेगेटिव है सेम ऑब्जेक्ट है, तो ये कंडीशन कौन सी होती है इधर और की कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन कौन सी कहलाएगी आपकी इधर और, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा, तो आंसर जो हो जाएगा यहां पर इधर और हो जाएगा, बात समझ में आई सभी को यहां पर, तो ये आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इधर और हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बनाइए नेक्स्ट सभी बच्चे, यहाँ पर सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे साथ ही वीडियो लिंक को कॉपी कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप सर्कल में शेयर जरूर करें जल्दी से फटाफट सही बच्चे, और इसका आंसर करें सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। चलिए तो इस प्रश्न में आप देखिए क्या पूछा जा रहा है यहां पर, कुछ चेयर जो है वो क्या है आपकी डेस्क है, क्या कह रहा है कुछ चेयर जो है वो क्या है आपकी यहां पर डेस्क है। अच्छा उसके बाद कह रहा है कोई भी डेस्क क्या नहीं है आपकी यहां पर बेंच नहीं, कोई भी डेस्क क्या नहीं है आपकी बेंच नहीं है। सबसे पहले कह रहा है सभी बेंच चेयर होने की संभावना है, सभी बेंच के चेयर होने की संभावना, तो बेंच क्या नहीं हो सकती आपकी डेस्क नहीं होती, चेयर होने की संभावना तो बिल्कुल है, यानी ये राइट हो जाएगा। कुछ डेस्क क्या है बेंच है, कुछ डेस्क क्या है बेंच, तो डेस्क बेंच होगा नहीं कुछ की बात करा तो ये क्या है गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ये क्या कह रहा था आपसे कुछ डेस्क बेंच है ऐसा हो नहीं सकता, पहले में कहा सभी बेंच के क्या होने की चेयर, तो बेंच चेयर होने की संभावना बिल्कुल है, तो करेक्ट जो आंसर हो रहा है आपका क्या होगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट, उसको बनाए सही बच्चे, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में बच्चे टाइप करें क्या आंसर है इसका।
चलिए तो यहां पर देखिए अगले क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं। तो यहां पर कहा कोई भी प्रिंटर स्कैनर नहीं, स्कैनर क्या है? माउस। तो सबसे पहले ये प्रिंटर है और प्रिंटर क्या नहीं है आपका यहां पर, ये स्कैनर नहीं है, ठीक है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है यहां पर, देखो यहां पर कि कुछ स्कैनर क्या है यहां पर आपके, माउस। ये स्कैनर है और क्या है, कुछ स्कैनर माउस। इसके बाद कुछ माउस क्या है, कीबोर्ड, ठीक है। तो यहां पर आपसे कह रहा था यहां पर सबसे पहले कि प्रिंटर स्कैनर नहीं, स्कैनर माउस है, और माउस क्या है, कीबोर्ड है। तो कुछ माउस क्या है, स्कैनर है। क्या कह रहा है, कुछ माउस स्कैनर है। अगर कुछ स्कैनर माउस होंगे तो माउस भी स्कैनर होंगे, यानी पहला राइट है। कुछ माउसेस प्रिंटर नहीं है, तो देखो माउसेस का कोई ऐसा पार्ट जो प्रिंटर में ना जा रहा हो, तो आप देख सकते हैं स्कैनर वाला पार्ट उसमें नहीं जा रहा, मतलब ये भी सही है। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जिनका आंसर फिफ्थ ऑप्शन था, वेरी गुड। तो आपका पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। चलो इसी तरीके से अगले क्वेश्चन का आंसर करें सही बच्चे, अगला बनाए जल्दी से फटाफट यहां पर। तो यहां पर देखो कुछ स्कूटर क्या है आपके, ट्रक है। ये स्कूटर है क्योंकि क्या है यहां पर आपके, ट्रक है, स्कूटर। इसके बाद सभी ट्रक क्या है आपके, ट्रेन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे क्या कह रहा है, कुछ स्कूटर कैन भी ट्रक, कुछ स्कूटर ट्रेन हो सकते हैं। तो कुछ स्कूटर ट्रेन हो सकते हैं, ठीक है। जबकि यहां पर देखा स्कूटर ट्रेन तो ऑलरेडी है ना, तो ये बात क्या होगी, गलत, क्योंकि जो चीज डेफिनेट उसकी संभावना नहीं होती है ना। अब स्कूटर ट्रेन ऑलरेडी दिख रहा है, ये कह रहा होने की संभावना है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। कुछ स्कूटर क्या है, ट्रेन है, ये बात बिल्कुल राइट है, यानी ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, केवल दूसरा अनुसरण करता है। तो बिल्कुल राइट आंसर जिन बच्चों ने यहां पर टिक किया, ओनली सेकंड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बनाए सही बच्चे, फटाफट जल्दी से इसका आंसर करें, सही बच्चों को सॉल्व करना है। फटाफट वीडियो लिंक को कॉपी कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप सर्कल में शेयर जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए तो इस प्रश्न में यहां पर हम बात करें, तो यहां पर कह रहा है सभी कप क्या है, पिलो है, ये कप वाला पार्ट है, ये कप है, ये सभी कप जो है वो क्या है आपके, पिलो है, ठीक है। और यहां पर कह रहा है सभी पेन क्या है आपके, पिलो, यानी कप पिलो है और यहां पर आपके जो पेन है वो सभी पेन भी क्या है, पिलो। तो कप भी पिलो है और पेन भी पिलो है। कुछ पेन कप है, तो पेन और कप का तो कोई रिलेशन नहीं दिया गया ना। पेन कप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब ये क्या होगा आपका, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगले में कुछ पिलो क्या है, कप है, तो जब सभी कप पिलो हैं तो कुछ पिलो कप है, यानी दूसरा तो कंफर्म सही ही है। तीसरा पेन कप की फिर से बात कर रहे हैं, इनकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही, मतलब ये सी एंड डी। तो आपका जो फर्स्ट वाला है और आपका ये थर्ड वाला है, तो फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में देखो सम यहां पर पॉजिटिव है, नो आपका नेगेटिव है, सेम ऑब्जेक्ट पेन और कप है, यहां भी देखो पेन और कप है, तो दो सी एन डी पॉजिटिव नेगेटिव सेम ऑब्जेक्ट, मतलब ये कंडीशन किसमें, इधर और में जा रही है, यानी फर्स्ट एंड थर्ड में क्या लग रहा है, इधर और दूसरा वाला कंफर्म ही सही है। तो ओनली सेकेंड एंड इधर कंक्लूजन फर्स्ट और थर्ड, कि दूसरा वाला यहां पर कंफर्म ही सही है, लेकिन पहले तीसरे में से कोई एक सही है, पहले तीसरे में से कोई एक सही है, दूसरा वाला कंफर्म ही सही है, ठीक है। तो जिन बच्चों का आंसर सी ऑप्शन ही थर्ड ऑप्शन था, बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जिनका आंसर सी ऑप्शन थर्ड था यहां पर। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट यहां पर अगले क्वेश्चन का आंसर करें सभी बच्चे, इसको ट्राई करेंगे सभी बच्चे एक बार, फटाफट इसको ट्राई कीजिए।
तो देखो यहां पर सम स्टोन आर ब्रिक, कुछ स्टोन क्या है आपके यहां पर ब्रिक है, कुछ स्टोन क्या है यहां पर आपके ब्रिक, और यहां पर कुछ ब्रिक क्या है यहां पर आपके ट्री। तो कुछ स्टोन ब्रिक है, कुछ ब्रिक ट्री है, तो किसकी बात कर रहा है, स्टोन की ट्री की। तो स्टोन ट्री का रिलेशन तो नहीं दिया जा रहा है यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा सी एन डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। कोई भी ट्री ब्रिक नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका सी एन डी हो जाएगा। तो ये भी सी एन डी, ये भी सी एन डी, सम पॉजिटिव है नो नेगेटिव है, सेम ऑब्जेक्ट, स्टोन और ट्री की बात हो रही, तो यहां पर सेम ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो इसमें स्टोन और ट्री की बात हो रही थी और इसमें आपको देखो ट्री एंड ब्रिक की बात हो रही, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि ये कह रहा है कि कोई ट्री ब्रिक नहीं है, जबकि ये तो इसको सी एन डी नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर ट्री एंड ब्रिक की बात हो रही थी, गलत हो जाएगा। तो ना पहला सही है ना दूसरा। अब यहां पर थोड़े ऑप्शन चेंज कर दिए गए, अभी तक जो ऑप्शन आ रहे थे वो फॉलो के रूप में आ रहा है, फॉलो का मतलब राइट वाले बताना है, लेकिन आप कह रहे हैं डेफिनेट रॉन्ग, तो इन दोनों में डेफिनेट रॉन्ग कौन सा है, तो आपने देखा कि ये कंफर्म रॉन्ग है, ठीक है ना, ये सी एन डी नहीं हो सकता क्योंकि हमें क्लियर दिख रहा है कि कोई ट्री ब्रेक नहीं है, तो यहां पर कोई ट्री ब्रेक नहीं, बात क्या है गलत। तो डेफिनेट रॉन्ग, तो डेफिनेट रॉन्ग कौन सा है, दूसरा वाला, ओनली कंक्लूजन सेकंड डेफिनेट रॉन्ग, क्योंकि ये तो डाउटफुल है, ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, डेफिनेट रॉन्ग कौन सा है ये। तो कुछ आते हैं फॉलो, फॉलो मतलब हमें राइट वाले बताना है, डेफिनेट रॉन्ग मतलब रॉन्ग वाला बताना है, और जब डज नॉट फॉलो की बात आती है, इसे अगले की हम बात करें, अगला ही देखते हैं, तो लगभग ये बिल्कुल सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन सेम है, लेकिन अब यहां पर बस ऑप्शन चेंज कर दिए गए, बस चेंज क्या हुआ, केवल और केवल ऑप्शन चेंज हुआ, जिसमें हमें क्या बताना है डज नॉट फॉलो, जो फॉलो नहीं कर रहा है, जबकि पिछले में क्या कर रहा था डेफिनेट रॉन्ग, तो डेफिनेट रॉन्ग में तो हमने दूसरे पर टिक किया था, इसमें किस पर टिक करेंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करें, इन केसेस में किस पर टिक करेंगे, जल्दी से सही बच्चे बता दीजिए यहां पर किस पे टिक करना चाहिए, यहां पर बताइए किस पे टिक करेंगे यहां पर, सही बच्चे जल्दी से फटाफट बताइए, तो हमेशा ध्यान रखना है डज नॉट फॉलो मतलब जो राइट नहीं है, तो राइट तो ये भी नहीं, राइट ये भी नहीं, तो ये भी डज नॉट फॉलो है, ये भी डज नॉट फॉलो है, तो बोथ कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड डज नॉट फॉलो, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड डज नॉट फॉलो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है डेफिनेट रॉन्ग मतलब डेफिनेट रॉन्ग केवल दूसरा होगा, डज नॉट फॉलो दोनों होंगे, और फॉलो कोई भी नहीं, फॉलो मतलब राइट वाला बताना है, डेफिनेट रॉन्ग वाला रॉन्ग वाला बताना है, डज नॉट फॉलो में सी एन डी रॉन्ग दोनों काउंट होंगे, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं यहां पर, अगले क्वेश्चन का आंसर करें सही बच्चे जल्दी से फटाफट, यहां पर सही बच्चे आंसर कीजिए इसका, चलिए तो इस प्रश्न में आपसे आपसे क्या कहा जा रहा है, यहां पर देखो सभी पेन क्या है आपके बुक हैं, तो ये पेन है जो सभी पेन है, तो ये क्या है आपकी बुक है, सभी पेन को बुक बना दीजिए। प्रश्न कहा कुछ बुक क्या है आपके पेजेस हैं, कुछ बुक क्या है आपके पेजेस हैं, तो कुछ बुक को हमने पेजेस बना दिया यहां पर। सभी पेजेस क्या है यहां पर आपके पेपर है, सभी पेजेस को क्या बना देना है यहां पर पेपर, ठीक है। तो यहां पर देखो कुछ पेन बुक है, ऑल पेन बुक है,
और फिर उसके बाद कुछ बुक क्या है आपके पेजेस हैं वो भी ठीक है और सभी पेजेस पेपर हैं। सबसे पहले मैं कहा कि कुछ पेपर पेन नहीं है, यानी कुछ पेपर ऐसे हैं जो पेन नहीं, इनके बीच का कोई रिलेशन नहीं दिया जा रहा है, तो ये क्या होगा सी एन डी। दूसरा पेजेस क्या है यहां पर पेन है, ये पेजेस पेन का भी कोई रिलेशन नहीं दिया जा रहा, तो ये सी एन डी। दो सी एन डी हो गए, सम नॉट निगेटिव है सम पॉजिटिव है, लेकिन सेम ऑब्जेक्ट ही है पेपर पेन ये पेजेस पेन, तो ईदर और तो नहीं होगा, तो क्या होगा आपका ये नीदर डॉर। तो जिन बच्चों ने यहां पर टिक किया फोर्थ ऑप्शन वेरी गुड बहुत बढ़िया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा नीदर नॉर, कि ना तो पहला सही होगा और ना दूसरा सही होगा। क्या आंसर होगा, ना पहला सही होगा और ना दूसरा सही होगा। चलो वेरी गुड बहुत बढ़िया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट चलो अगला बनाइए। नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट सेम है बस कंक्लूजन अलग से दिया गया, इसका आंसर क्या होगा। तो क्या कह रहा है, सभी बुक क्या है पेपर है, सभी बुक को कहां लेके जाना है पेपर में, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका सी एन डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। उसके बाद कुछ बुक क्या है आपके पेपर है, तो कुछ बुक पेपर है ये बात क्या है राइट है, कुछ बुक क्या है पेपर, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो, केवल दूसरा अनुसरण करता है, केवल दूसरा क्या यहां पर आपका सही हो जाएगा। तो जिन बच्चों का यहां पर था ओनली सेकंड फॉलो राइट हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं बुक एंड पेपर की बात हो रही थी, तो बुक एंड पेपर के बीच का जो रिलेशन दिया जा रहा है सम वाला है, तो सम वाले केसेस में ऑल जो होता है सम नोट क्या होता है सी एन डी होता है, और इसमें बुक पेपर ही क्लियर दिख रहा है कि ये कॉमन पार्ट है, बुक भी है पेपर भी, तो राइट है। तो जिन बच्चों का आंसर यहां पर था ओनली सेकंड फॉलो बिल्कुल राइट आंसर है। चलो वेरी गुड बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इसका आंसर निकालें सभी बच्चे यहां पर। चलिए तो इस प्रश्न की यहां पर बात की जाए तो क्या कह रहा है यहां पर, कुछ फाइल्स क्या है यहां पर आपकी फोल्डर है, कुछ फाइल्स हैं, ये फाइल्स हैं क्या है आपकी फोल्डर है, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, सभी फोल्डर क्या है आपके पॉकेट हैं, सभी फोल्डर क्या है पॉकेट हैं, कोई भी पॉकेट क्या नहीं है आपका यहां पर बैग नहीं, ये पॉकेट है और क्या नहीं है आपका बैग नहीं है। तो देखा जाए सभी फाइल्स फोल्डर है, सॉरी कुछ फाइल्स फोल्डर हैं, सभी फोल्डर पॉकेट है, कोई भी पॉकेट बैग नहीं है। सबसे सभी पॉकेट क्या है फाइल है, सभी पॉकेट को कहां लेके जाना है हमें फाइल में, तो ये सी एन डी होगा। पहले हम बता चुके फर्स्ट क्लास में कोई भी दो सर्कल में कुछ पार्ट कॉमन हो उन्हीं दोनों को लेके, चाहे ऑल हो सम नोट, हमेशा सी एन डी जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सी एन डी हो जाएगा। दूसरे कुछ पॉकेट क्या नहीं है बैग नहीं है, तो देखो पॉकेट के पास कुछ ऐसा पार्ट जो बैग, तो पॉकेट ही बैग नहीं होगा, तो कुछ पॉकेट भी बैग नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, तो करेक्ट आंसर सेकंड फॉलो हो जाएगा यहां पर ये। तो जिन बच्चों का सेकंड फॉलो आंसर था बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड बहुत बढ़िया। अगला बनाइए। नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन ये है यहां पर आपका, जहां पर आपका स्टेटमेंट सेम है बस कंक्लूजन अलग से दिया गया है यहां पर, इसका आंसर करें सभी बच्चे जल्दी से फटाफट। Thank you.
तो यहां पर कह रहा है कि सम फाइल्स आर नॉट बैक, कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो बैक नहीं है। तो आप देख सकते हैं फाइल्स के अंदर ये पार्ट ऐसा है पॉकेट वाला जो बैक नहीं है, मतलब पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा क्योंकि कंप्लीट फाइल्स बैग में नहीं जा रहा है, मतलब ये पार्ट प्रॉब्लम कर रहा है यानी ये उसमें नहीं जा सकता है। तो पहला क्या है, राइट है। कोई भी फोल्डर क्या नहीं है, बैग नहीं है। तो बैग अगर पॉकेट नहीं होगा तो फोल्डर भी नहीं होगा, तो फोल्डर का भी बैग नहीं हो सकता, यानी ये बात भी क्या है, सही है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, बहुत कंक्लूजन, फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, पहला दूसरा दोनों ही क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का फिफ्थ ऑप्शन आंसर था, बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। तो सभी बच्चे यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेस भी इसकी देख सकते हैं। जिन बच्चों ने क्लासेस मिस कर दिए हैं यहाँ पर, तो आप इसमें देखिए एग्जाम्पल बैंकिंग क्लासेस पे जाइए, उसमें प्लेलिस्ट बनी होगी, तो सभी सब्जेक्ट की जो भी क्लास मिस होगी तो सीक्वेंस में सभी क्लासेस दी गई है, तो जो भी क्लास मिस होगी उनको जरूर देख लेना है। यहाँ पर क्लासेस को रिकॉर्ड क्लासेस देख लेना, जो भी आपके डाउट वगैरह है दोबारा से सुनेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर आपको बता दी गई है। तो आज की क्लासेस को इतना ही रखेंगे यहाँ पर। तो सभी बच्चे जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, साथ ही वीडियो लिंक को कॉपी कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप सर्कल में शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सभी बच्चे। साथ ही एग्जाम पर बैंकिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिन्होंने नहीं किया यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू।